हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम अनिरुद्ध कुमार मौर्य। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अपना घर का स्कूल। ठीक है, आज आप लोगों को हम क्या बताने वाले हैं, जो एनसीईआरटी चल रहा था एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड द सबस्ट्रैक्ट 5.2 फ्रॉम इट। यानी मान लीजिए अमीना ने कोई नंबर सोचा, उसमें से 5.2 क्या कर रही, सबस्ट्रैक्ट कर रही है। सी मल्टीपल्स द रिजल्ट बाई 8, और वो जो उन्होंने सोचा उससे माइनस करेंगे 5.2, उसका मल्टीपल्स कितना है 8। द रिजल्ट ऑफ नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स, और जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर। यानी जो हमने नंबर सोचा था, या अमीना ने जो नंबर सोचा था, उसका कितना टाइम्स, 3 टाइम्स। सी थॉट ऑफ, यानी जो उसने सोचा था, तो व्हाट इज द नंबर, तो वह नंबर क्या होगा। ठीक है, सॉल्यूशन में चलते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट अनामिका थिंक अ नंबर। ओके, लेट अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर, ठीक है, विल बी एक्स। मान लिया वह नंबर उसने क्या सोचा, एक्स सोचा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था कि एक्स से माइनस करेंगे कितना, 5.2। यानी जो नंबर सोचा उससे कितना माइनस करेंगे, 5.2। ठीक है, और उसका मल्टीपल्स कितना दे रखा है, उसका मल्टीपल्स, सी मल्टीपल्स ऑफ रिजल्ट बाई 8, यानी जो ये मिला उसका मल्टीपल्स कितना है 8। तो 8 से हमने क्या कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना, मल्टीपल्स ऑफ, और कितना टाइम्स, 3 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ 13 जो उसने सोचा था। 3 टाइम्स ऑफ कितना, जो उसने सोचा था, x सोचा था, तो 3x हो गया। ठीक, ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन। एंड देन सॉल्व द इक्वेशंस इन, फाइंड आउट इन वैल्यू ऑफ x। ओके, नाउ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसकी इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो ये इसकी इसकी जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 8x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 × 5/2 होगा कि नहीं होगा, दोनों से, यानी 8 की मल्टीप्लाई x से भी होगी और 8 की मल्टीप्लाई 5.2 से भी होगी, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3x। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, 8x यहाँ पे देखो ये कट सकता है, 2 × 2 × 2 × 4 × 8, तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, 4 × 5 इज इक्वल टू 3x। ओके, नाउ अब यहाँ देखिए 8x है, यहाँ पे प्लस का 3x है, ये लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 8x माइनस 3x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20, ये किसका आएगा, माइनस का आएगा, और जब राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये 20 प्लस का हो जाएगा। अब 8x से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, 5x बचेगा, कितना बचेगा, 5x इज इक्वल टू 20। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। ठीक है, हो सकता है आप लोगों को दिखे ना, इसीलिए हमने यहाँ से उठा लिया, शिफ्ट कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/5, यानी ये 5 मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा डिवाइडेशन में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 और 5 × 4 = 20, तो x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या मिल गई, 4 मिल गई, तो यही क्या हो जाएगा, हैंस द नंबर इज 4, तो हैंस द नंबर इज 4, हैंस द नंबर इज 4। ओके, नाउ डू यू अंडरस्टैंड, आप लोगों को उम्मीद है समझ आया होगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन था, अमीना ने एक नंबर सोचा, उसको 5.2 उसमें से माइनस करेंगे, यानी उस नंबर में क्या करेंगे, उस नंबर जो सोचा उससे 5.2 माइनस करेंगे, और उसका जो रिजल्ट, यानी जो रिजल्ट मिला उसको 8 से, सी मल्टीपल्स ऑफ द रिजल्ट बाई 8, और उसको 8 से क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, देन इसके बाद में 3 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर, तो यानी 3 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर, सेम नंबर जो उसने सोचा था, सोचा क्या था, x सोचा था। ठीक है, तो उस तरीके से x की फाइंड आउट वैल्यू निकाल लेंगे, देन यही हमारा क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे अभी थोड़ी देर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड बताना है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, यानी जो पॉजिटिव नंबर होगी वो कितना टाइम्स होगी, 5 टाइम्स जो दूसरे नंबर की। ठीक है, तो अनदर नंबर क्या हो जाएगी, यहाँ पे मान लेंगे x,
और पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगी, 5 टाइम्स, तो यानी ये क्या हो जाएगी 5x, ठीक है। इफ़ 21 इज एडेड टू द बोथ द नंबर्स, और 21 जो नंबर होगा वो दोनों में ऐड करेंगे, यानी पॉजिटिव नंबर में भी ऐड होगा और अनदर नंबर जो लिया होगा उसमें भी 21 ऐड होगा। एंड द न्यू बिकम्स एंड ट्विस्ट द अदर न्यू नंबर, जो नई नंबर प्राप्त होगी ठीक उसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी ट्विस्ट ऑफ द अदर न्यू नंबर। तो व्हाट आर द नंबर्स, तो वह नंबर्स क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, लेट द अनदर नंबर, लेट द अनदर नंबर, तो वो मान लिया हमने एक्स है, ठीक है। इसके बाद में पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगी, वाई एक्स हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी ये 5x होगा, यानी 5x प्लस 21, इसमें भी क्या करेंगे 21 ऐड होगा, इज इक्वल टू 2x प्लस 21, यानी जो पहली नंबर होगी अनदर नंबर है उसमें भी 21 ऐड होगा, और वो जो अनदर नंबर होगा उसमें ट्विस ऑफ द अदर न्यू नंबर, तो उसको दो से क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, 5x प्लस 21, और 21 इसमें भी ऐड होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जो x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या करते हैं, सॉल्व करिए, तो ये 5x प्लस 21 ऐसे रहेगा, और इसको क्या कर देते हैं, 2x प्लस 2 जब 4 और ये 2, 42 हो जाएगा। नाउ 5x माइनस, ये प्लस का 2x इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42, और ये प्लस का 21 इधर जाएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर कितना बचेगा, तो ये आ जाएगा 5 से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3x, तो 3x इज इक्वल टू, और 42 माइनस 21 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में, और ये 3 मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ से इधर लिख लेते हैं, ओके। तो 3x इज इक्वल टू 21, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 अपॉन 3, तो 3 बन जाए 3, 3 से बन जाए 21, तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 7। इट मीन्स क्या हो गया कि जो अनदर नंबर थी वो क्या हो गई, 7, अनदर नंबर 7 हो गई। अब पॉजिटिव नंबर पूछ रहा हो तो पॉजिटिव नंबर निकाल लेंगे, तो पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x था, तो 5 इंटू 7, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7, तो 5 7 जाए कितनी हो जाएगी, 35 इज द आंसर, ठीक है। तो ये पूछ क्या रहा था, व्हाट आर द नंबर्स, तो वो नंबर्स क्या होंगी, ठीक है। तो पहली नंबर यानी ये पॉजिटिव नंबर्स हो जाएगी हमारी 35, और अदर नंबर की बात करें तो अनदर नंबर है 7, अनदर नंबर ये क्या हो जाएगी, 7, ओके। तो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे, पॉजिटिव नंबर 35 और अनदर नंबर इज 7। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू ऑल।